तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग बहुत ही सक्षम होते हैं, क्योंकि चूंकि क्षत्रिय वर्ण की राशि है जो मैंने कहा, तो क्षत्रिय कहाँ युद्ध कर युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, ये तो आपको सभी को मालूम है। तो क्षत्रिय होने के नाते ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में अपना दम खम पूरा लगा देने में सफल हो जाते हैं। और हाँ, कभी कभी इनको परेशानियां होती हैं, चूंकि अति आवेग के होने की वजह से कभी कभी इन्हें परेशानी होती है जो मैंने कहा, लेकिन साथ ही साथ अगर ये थोड़ी सी सूझबूझ के साथ काम ले तो प्रोफेशनल फील्ड में इनकी उन्नति अति अवश्य होती ही है। पेशेवर जगह में तो कोई बात आती नहीं है, क्योंकि सिंह राशि वाले कॉन्फिडेंट होते हैं, पराक्रमी होते हैं और ये जानते हैं कि इन्हें क्या करना है, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो ऐसे लोग किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं और इफिशियंसी की वजह से किसी भी काम को बहुत अच्छी तरह परस्यू करते हैं और आखिरी तक करते हैं। एक होता है किसी काम को लेना और उसको काम को एग्जीक्यूट करना, ऐसे लोग जब किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसको अंत तक अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जिसको कह सकते हैं विद परफेक्शन, जिस कारण से सिंह राशि के लोगों में आप कह सकते हैं शाहरुख खान का नाम शामिल है। तो ऐसे लोग सिंह राशि के लोग बहुत ही मेहनती भी होते हैं, क्योंकि ऊर्जा को कहाँ लगाना है, किस तरह से व्यवहार करना है, ये भी इन्हें खूब मालूम होता है। प्रोफेशनल फील्ड में कन्या राशि के लोग बहुत ही सफल होते हैं। क्यों सफल होते हैं? कन्या राशि जो है ये इनका नैसर्गिक गुण है कि किसी भी स्थिति में अपने आप को संभाल लेना, और बुध की चूंकि ये द्वितीय राशि है तो कैलकुलेटिव होते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में आप समझ ही रहे हैं कि कैलकुलेशन या कैलकुलेटिव होना कितना अहम है, तो ये इनके लिए एक एडिशनल एडवांटेज लेकर के आता है, जहाँ से ये प्रोफेशनल लाइफ को अपना बेटर कर पाते हैं और यह साल भी इनके लिए काफ़ी हद तक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेहतर है। बात अगर आती है प्रोफेशनल फील्ड की, प्रोफेशनलिज्म की कला अगर सीखनी है तो आप तुला राशि वालों से सीखें, क्योंकि सदी के महानायक जो हैं अमिताभ बच्चन साहब वो तुला राशि के ही हैं। तो आप समझ रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं और इस उम्र में भी वो किस तरह से प्रोफेशनलिज्म को कितनी सहजता के साथ मेंटेन किए हुए हैं। अगर उदाहरण दी जाए बड़े बड़े पर्सनैलिटीज, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज की, तो वृश्चिक राशि के लोगों में ही APJ अब्दुल कलाम साहब, कुमार सानू साहब, रफ़ी साहब, ये लोग बड़े बड़े पर्सनैलिटीज वृश्चिक राशि के ही हैं। तो ऐसे लोग या तो बहुत बड़े फील्ड में अच्छे लेवल पर जाते हैं या फिर नेगेटिव फील्ड में भी जाते हैं, यानी अति साधारण नहीं रहते, ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस राशि की क्वालिटी क्या होती है, और गंभीरता जो होती है यानी गहराई लिए हुए रहते हैं किसी भी चीज़ की, गहराई सोच, एजुकेशन, ये सब इनमें रहती है। बात अगर प्रोफेशनल फील्ड की जाए तो मैंने प्रोफेशनल फील्ड में इनको बहुत ही अव्वल पाया है। ऐसे लोग प्रोफेशनलिज्म को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। जिन शख्सियत की मैंने नाम आपके सामने रखी है अभी कुछ देर पहले, आप समझ सकते हैं कि उन्हें अपने जिंदगी में क्या मुकाम हासिल किया। तो समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल फील्ड बहुत ही साफ है कि ये कितने सफल हैं, और इनके लिए अनुकूल स्थिति वर्तमान पोजीशन में बनी भी हुई है। तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं, हालांकि इनिशियल स्टेज में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रगल करने के उपरांत ये जानते हैं कि कब एक्सेलरेशन पर पैर दबाना है, कब बेटर करना है अपने आप को, कब स्थिति में और कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, कब इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता है, ये सब कुछ इनको पता है। तो इसके तहत ये अपने आप में बेहतरी लाने में सफल हो जाते हैं। प्रोफेशनल फील्ड में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं, लेकिन शास्त्र का ये मानना है कि ऐसे लोग परिवार से अगर दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, अदर स्टेट्स में जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने में सफल होते हैं। प्रोफेशनल कुंभ राशि का जो होता है बहुत ही उतार चढ़ाव भरा होता है इनिशियली। कैसे होता है कि आकस्मिक अवनति और आकस्मिक उन्नति, यह शास्त्र ने कहा है कुंभ राशि वालों के लिए। तो इसका मतलब जो है आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग सभी आज समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो समझ रहे हैं कि प्रोफेशनल फील्ड में अगर आकस्मिकता की बात आ जाए तो इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी कहीं लैक करते हैं ये, चाहे जिस किसी वजह से क्यों ना हो। पारिवारिक वजह सबसे बड़ी वजह बनती है, इनके राह में रोड़ा बन जाती है कभी कभी, अदरवाइज इनका लाइफ बहुत ही
अच्छा होता है प्रोफेशनली, ये जानते हैं कि उनको क्या करना है, बहुत मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, यानी वास्तववादी होते हैं। बात अगर आती है प्रोफेशनलिज्म फील्ड की, यानी पेशेवर जिंदगी की, तो वहां पर भी ये अव्वल है और बहुत ही चतुर है परेशानियों के साथ जूझने में और परेशानियों का हल निकालने में। तो ये जानते हैं कि कभी कभी क्या होती है जिंदगी में कि हर काम आप खुद नहीं करते, कभी कभी काम को ले लेना भी एक कला है कि किससे क्या काम ली जाए, किसको क्या काम सौंपी जाए, ये मीन राशि वालों को बखूबी आती है। तो ये भी एक कला है जिसमें ये सक्षम है और उत्तीर्ण हो जाते हैं। प्रोफेशनल फील्ड में ये बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर के आते हैं। सोसाइटी में लोगों के साथ मिलना, सोशल होना, ये तो एडवांटेज उनका है ही, चूंकि ये इनका नैसर्गिक गुण है तो इसका लाभ इनको मिलता है। लोगों के साथ मिल जाना, लोगों के साथ बातें करना और उनकी तरह सहज से पेश आना, ये इनको भली भांति ही आता है। बात अगर आती है प्रोफेशनल फील्ड की, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग बहुत ही सक्षम होते हैं। ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में अपना दम खम पूरा लगा देने में सफल हो जाते हैं। मैंने प्रोफेशनल फील्ड में इनको बहुत ही अव्वल पाया है। ऐसे लोग प्रोफेशनलिज्म को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। प्रोफेशनल करियर में इनकी खूबी यह है कि एक साथ एक समय में कई काम करना इनको पसंद होता है। तो बेसिकली ऐसे लोग क्या करते हैं कि कुछ काम इधर भी कर रहे हैं तो कुछ देर बाद कुछ और काम करते हुए भी नजर आ जाएंगे। ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करने के बाद उस पेशा से हट करके घर लौटने के बाद कुछ और भी विषय से जुड़ जाएंगे, तो ये इनको काफी पसंद होता है। तो ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र को भी जमकर एंजॉय करते हैं, यानी खुलकर एंजॉय करते हैं। तो इस साल भी जो स्थिति ग्रह की बनी हुई है, हालांकि इनके लिए पूर्ण रूप से तो अनुकूल नहीं मानी जा रही है, फिर भी यह अपने इस आदत के लिए स्थिति को अपने अनुरूप बना लेते हैं। नमस्कार।